नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। होटल से लौटते वक्त एक टैक्सी ड्राइवर महिला का पीछा करने लगा और फिर पैदल जा रही विदेशी महिला के गले में हाथ डालकर अश्लील हरकत करने लगा। टैक्सी ड्राइवर की इस हरकत का वीडियो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और इसके साथ ही विधायकपुरी थाना पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। आरोपी टैक्सी ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एसएचओ भारत सिंह राठौर ने बताया कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो ट्वीट किया है। सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान पुलिस को टैग कर वीडियो को ट्वीट किया गया है। 28 सेकंड के वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दिन के समय एक विदेशी महिला अपने साथी के साथ पैदल होटल जा रही है और इस बीच एक टैक्सी ड्राइवर उनका पीछा कर चलने लगता है। विदेशी महिला से बातचीत करते हुए उसके गले में हाथ डाल लेता है और इसके बाद महिला का हाथ पकड़कर गलत तरीके से छूता है। विदेशी महिला आपत्ति जताते हुए एक बार उसको दूर हटाने की कोशिश करती है। उसके बाद भी वह छेड़छाड़ करते हुए विदेशी महिला के होटल तक जा पहुंचता है। वीडियो को ट्वीट कर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लिखा कि अभी यह वीडियो देखने को मिला है और इसमें यह आदमी एक विदेशी पर्यटक को गलत तरीके से छूते हुए देखा जा सकता है। यह बेहद शर्मनाक है। कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान पुलिस को टैग किया जा रहा है और इन घटनाओं से देश का नाम बदनाम होता है। आगे ऐसे चुराठोड़ बताते हैं कि शिकायत सामने आने के बाद जांच के लिए एक पुलिस टीम बना दी गई है। विदेशी महिला से छेड़छाड़ का वीडियो करीब 15 से 20 दिन पुराना है, जो मोतीलाल अटल रोड पर बनाया गया है। विदेशी महिला पास ही एक होटल में पुरुष साथी के साथ रुकी थी। विदेशी महिला के रुकने वाले होटल मैनेजमेंट से भी जानकारी ली गई है। पुलिस पूछताछ में होटल स्टाफ ने बताया कि एक टैक्सी ड्राइवर विदेशी महिला का पीछा करते हुए होटल तक आ गया था। गलत तरीके से टच करते हुए देख होटल स्टाफ ने विदेशी महिला से आपत्ति के बारे में पूछा। विदेशी महिला ने कोई प्रॉब्लम होने से मना कर दिया।